इसी बीच बांसवाड़ा से बड़ी खबर मिल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बांसवाड़ा से, जहां पर उदयपुर जैसी घटना को दोहराने की कोशिश की गई है। स्कूल के झगड़े को लेकर साथी छात्र को मारने के लिए छात्र पहुंच गया और झगड़े से पहले शिक्षकों और छात्रों ने इसे पकड़ लिया। छात्र के पास चाकू मिला था। छात्र को पकड़कर पुलिस को इसे सौंपा गया। कुपड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का मामला है। कक्षा में हुई बहस के बाद यह छात्र मारने के लिए आया। पुलिस ने 18 साल के छात्र को हिरासत में लिया है। ज्यादा जानकारी के साथ बांसवाड़ा से हमारे संवाददाता आकाश सेठिया फोन लाइन पर। आकाश, क्या है पूरा मामला और अभी अपडेट क्या है? सर, बताना चाहेंगे कि ये अपने बांसवाड़ा शहर के पास ही कुपड़ा के स्कूल स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जहां पर दो सहपाठी है जो छात्र हैं, दोनों एक ही कक्षा में किसी बात को लेकर बोलचाल हो गई थी, जिसके बाद छात्र उसी के बैग में चाकू लेकर आया था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद स्कूल प्रांगण के बाहर ही आपस में दोनों झगड़ा गए थे। तब शिक्षक और अन्य छात्रों ने दोनों का झगड़ा छुड़वाया, जिसके बाद उसके बैग में से चाकू भी मिला है। शिक्षकों द्वारा उस छात्र को तुरंत सदर थाना पुलिस को सौंपा। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं जो चाकू था उसको भी बरामद कर लिया गया है। बिल्कुल, और स्कूल प्रबंधन क्या कुछ कह रहा है, परिजन क्या कह रहे हैं? परिजन का कहना है कि ऐसी जो आज भी जो उदयपुर में घटना हुई, इसको एक बार फिर दोहराई जा सकती थी, लेकिन वहां के शिक्षकों और प्रिंसिपलों द्वारा व अन्य छात्रों द्वारा इस घटना को पूरा नहीं होने दिया और साथ ही उस छात्र को रोक दिया झगड़े से पहले ही। साथ ही परिजनों का कहना है कि ऐसी घटना आगे ना हो, इसके लिए स्कूल प्रशासन साथ ही या प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाए ऐसे छात्रों पर। तो पुलिस ने इस छात्र को हिरासत में लिया, डिटेन किया है, क्या कुछ कहना है? पुलिस की जांच में क्या निकल करके आया, कहां से चाकू लेकर के आया था यहां पर? पुलिस अभी जांच कर रही है, छात्र से भी बात कर रही है, साथ ही उनके परिजन। बिल्कुल आकाश, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं कैथो नगर पालिका को समाप्त करके नगर निगम कोटा में शामिल कराने की सुगबुगाहट के बीच अब विरोध शुरू हो गया है। कैथून के पालिका अध्यक्ष आईना महक और लाडपुरा प्रधान नईमुद्दीन गुड्डू की अगुवाई में लोग सड़क पर आ गए। जिला कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कैथून की जनता अपने कामों के लिए 17 किलोमीटर दूर कैसे आएगी। कैथून नगर पालिका की अध्यक्ष आईना महक ने कहा कि हाल ही में लाडपुरा विधायक ने सीएम को लेटर लिखकर कैथून पालिका को खत्म करके नगर निगम में शामिल करने की मांग की, जबकि कैथून एक विकसित नगर पालिका है। कुछ दिन पहले ही हमारी जो विधायक है कल्पना देवी जी, उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय को नगर पालिका कैथून को नगर निगम में मिलाने के लिए एक लेटर दिया था और उस लेटर पे काफ़ी तीव्र गति से कार्रवाई करते हुए वो लेटर जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ तक आ गया और जिला कलेक्टर महोदय ने SDM साहब को निर्देश दिए कि भाई नगर पालिका की मीटिंग बुलाए और इसमें क्या है उसकी पूरी डिटेल हमें दें। तो वहीं हिंडौन सिटी में करीब 2 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश के बाद एक बार फिर से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। बाजारों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। हिंडौन सिटी में फिर बने बाढ़ के हालात। 2 घंटे की बारिश ने किया पानी पानी, सड़कें बनी तालाब, आना जाना हुआ मुहाल, जगह जगह जलभराव की ये तस्वीरें हिंडौन सिटी की हैं, जहां 2 घंटे की मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। 10 अगस्त से 15 अगस्त के बीच जो बारिश हुई थी उस पानी की निकासी अभी पूरी तरह से नहीं हो पाई थी कि एक बार फिर बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिसके चलते दुकानें बंद हैं और लोग परेशान। वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश के चलते हिंडौन के पाठक पाड़ा में प्राचीन जर्जर भवन का एक हिस्सा टूट कर गिर गया। गनीमत ये रही कि आसपास कोई नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। रात में बारिश थमने से कुछ इलाकों में पानी की निकासी हुई, लेकिन अब भी कटरा सराफा बाजार समेत कई गलियों में पानी भरा है।
दुकानों में फिर से पानी जाने के चलते व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ है। वहीं बारिश के बाद ट्रांसफार्मर के पानी में डूब जाने से बिजली पर भी असर पड़ा है, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इससे पहले आई बारिश के चलते दुकानें 10 से 12 दिन बंद रही। जैसे ही स्थिति में सुधार आया, बारिश ने हालात और खराब कर दिए। लोगों का आरोप है कि पानी निकासी की व्यवस्था न होने के चलते हालात इतने खराब हुए हैं। आरोप है कि हाई कोर्ट के निर्देश पर 17 करोड़ की लागत से जिस नाले का पटाव किया गया था, उसके पानी के लेवल के देखे बिना ही उस पर पक्का निर्माण कर दिया गया और आरसीसी छत डाल दी गई, जिस कारण नाले से जल निकासी नहीं हो पा रही है और नाले के अंदर जमा कचरे को भी साफ नहीं किया जा रहा। बहरहाल हिंडौन में हालात अच्छे नहीं है। अब देखना होगा कि जमा पानी की निकासी के लिए प्रशासन क्या कदम उठाता है। करौली से न्यूज 18 राजस्थान के लिए धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे आज की फाइट, प्रदेश की सबसे बड़ी डिबेट।